गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश वर्कबुक का लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसके बारे में पढ़ा था, वो था चैप्टर फेस्टिवल्स आर फन। इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये इसके जो थे ये फिल इन द ब्लैंक्स इनको भी किया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा। चलो शुरू करते हैं। व्हाई डू वी फील डिफरेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम जब फेस्टिवल के दौरान हम कुछ अलग महसूस क्यों करते हैं। वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, ईटिंग स्वीट्स एंड स्पेशली कुक्ड फूड एंड डेकोरेशन ऑल ओवर मेक अस फील डिफरेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, WEARING, वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनकर पहनते हैं। ईटिंग स्वीट्स, मिठाई खाते हैं। एंड स्पेशली कुक फूड, स्पेशली कोई मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती हैं। एंड डेकोरेशन, और जो ये सब डेकोरेशन होती है, ऑल ओवर मेक अस फील, ये सब चीज़ें मिल करके हमें कुछ डिफरेंट फील कराता है उस फेस्टिवल्स में, है ना। ये आंसर नोट करेंगे आप लोग। व्हाट डू फेस्टिवल्स टीचर्स? फेस्टिवल हमें क्या सिखाता है? We learn to be kind to one another and share with each other during our festivals. त्यौहार के दौरान हम लोग क्या होते हैं, दूसरों के प्रति हम लोग काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, हम लोग दान करते हैं दूसरों को, जो गरीब होते हैं उनको देते हैं, है ना, और सबसे प्यार से बातें करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में अपनी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, है ना। तो ये हम लोग फेस्टिवल के दौरान करते हैं। फिर से देखो मैं पढ़ रहा हूँ। वी लर्न टू बी काइंड टू वन अनदर एंड शेयर विथ ईच अदर ड्यूरिंग आवर फेस्टिवल्स, ठीक। अब देखो, नेम एनी टू फेस्टिवल्स डेट आर सेलिब्रेटेड इन योर हाउस। ऐसे कोई दो फेस्टिवल्स लिखने हैं जो तुम्हारे घर पे मनाए जाते हैं। अभी तो मैंने तो यहाँ पर लिखा दीपावली एंड होली। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जन्माष्टमी लिख सकते हैं, रक्षाबंधन लिख सकते हैं, है ना, और कौन सा, दशहरा लिख सकते हैं, नवरात्रि लिख सकते हैं, ईद लिख सकते हैं जिनके घर में ईद मनाई जाती है, क्रिसमस लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे फेस्टिवल, बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति, खिचड़ी जिसे बोलते हैं, जिसमें तुम लोग पतंगे भी उड़ाते हो ना। तो जो भी तुम्हें त्यौहार, मैंने तो यहाँ पर दीपावली एंड होली लिखा, आपको जो भी त्यौहार, आपको जो भी फेस्टिवल पसंद हो, आप उसका नाम अपने मन से लिख सकते हो। ये कोई बाउंड नहीं है कि यही लिखना है, है ना। चलो अब हम लोग आगे का काम करते हैं। अब कह रहा है कि राइट द नाउन्स डैट गो विद दीज वर्ड, चूज फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। कलर अ, यहाँ देखो मैंने नंबर लिखा हुआ है, पिक्चर, है ना, तो यहाँ मैं देखो लिख रहा हूँ पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट ए स्टोरी, ये देखो ये हो गया। बेक ए केक, हुआ बेटा, देखा। बिल्ड अ हाउस, ब्रस्ट अ बलून, चेंज क्लोथ्स, चेंज क्लोथ्स हो गया। अब आगे देखो, राइड अ बाइसाइकिल, ये देखो ये लिखा हुआ है, टेक अ नैप, हो गया नैप, ये देखो। आप भी चाहो तो नंबर लिख सकते हो, नहीं तो देख करके, मैंने नोट किया है इसको, आप देख करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, री राइट दी सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट टेंस, वन हैज़ बी डन फॉर यू। देखो ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया, तो पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए जो वर्ब होता है उसमें ईडी लगा देते हैं, जैसे सुमन लुक्स थ्रू द विंडो, लुक्स यहाँ पर वर्ब है तो लुक्ड कर दिया है ना। अब देखो, रमेश ब्रशेज हिज टीथ, ब्रशेज मतलब ब्रश करना,
दिस इज द वर्ब, तो ई एस की जगह पे ई डी कर देंगे, रमेश ब्रश्ड हिज टीथ, हो गया, देखो रमेश ब्रश्ड हिज टीथ, हुआ बेटा। दे नॉक एट द डोर, नॉक ये देखो ये तुम्हारा वर्ब है, इसको ई डी लगा देंगे, नॉक के एन ओ के सी के ए डी, नॉक एट द डोर, हो गया। अब देखो शोभा एंड सूरज लिव इन द रेड हाउस, लिव मतलब रहना, ये क्रिया है, वर्ब है, तो इसमें ई डी लगा देंगे, शोभा एंड सूरज लिव्ड, एल आई वी ई डी, लिव्ड इन द रेड हाउस, हो गया। द लिटिल पप्पी प्लेज विद द बॉल, प्लेज ये तुम्हारा वर्ब है, द लिटिल पप्पी प्लेड, एस की जगह पे ई डी, प्लेड विद द बॉल, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, बस कुछ नहीं अंतर है। भानु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वॉक्स ये तुम्हारा वर्ब है, तो इसमें वॉक कर दिया, भानु वॉक डब्ल्यू ए एल के ई डी, वॉक टू स्कूल एवरी डे, हो गया। आज हम लोग इसको यहीं रखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में हम लोग और आगे का काम करेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।